लाहे रहमान रहीम। ये समर 2006 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहते थे डायग्राम शोज अ रूफ ऑफ अ हाउस, एक रूफ ऑफ हाउस का डायग्राम है। द बेस ऑफ द रूफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी द डायग्राम में है इधर कहीं, ये देखें ये रूफ है ओ ए, ये बी और ये सी है। इज रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल है, यानी अगर ये 14 मीटर, ये 8 मीटर, ये 90 डिग्री एंगल है। वो ओ ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू 14 मीटर, ओ ए भी 14 मीटर है, सी बी भी 14 मीटर है, एंड ओ सी ए ओ सी जो है ये, और ए बी इधर से इधर तक ये 8 मीटर है। द टॉप ऑफ द रूफ डी इज 5 मीटर अबोव द बेस, ये 5 मीटर बेस से अबोव, ये 3 डायमीटर है, इधर से इधर तक ये 3 डायमीटर, रफ से 5 मीटर है। इस तरह 3 डायमेंशन में सोचे, ऐसे नहीं, तो 5 मीटर है। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहा है अब, यानी जो जो भी 5 मीटर अबो का मकसद है, जो भी के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें 5 आएगा। अबो द बेस एंड डी इज 6 मीटर, ये डी इधर से इधर तक 6 मीटर है, ये टोटल पूरी छत है इधर से इधर तक 14 मीटर, ये डी इज 6 मीटर, तो सिमेट्री होगी, जारी बात है। द स्लोपिंग एजेस ओ डी सी डी ए ई एंड बी आर ऑल इक्वल इन लेंथ, सारे ये ओ डी इक्वल इन लेंथ पे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसके मैं पढ़ूंगा ना, यूनिट वेक्टर्स आई इसके साथ ये दिए गए, ये आई है, ये जे है, ये के हाइट में है। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट सेट करूंगा, जितने भी इसमें दिए गए ओ ए बी सी डी ई सब के कोऑर्डिनेट सेट करूंगा। देखो, ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 और 0 ही होंगे। सब कोऑर्डिनेट में मेहनत होनी चाहिए आपकी, सोच समझ के, फिर कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस में होता। फिर ए के कोऑर्डिनेट्स देखें आप, ए के सिर्फ आई है, न जे है न के है, और ये 14 है, तो ए का करेंगे 14,0,0। अच्छा, अब आप देखें इसके, फिर है बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के ये नीचे जो ये जैसे ओ ए बी सी, इसमें के का तो आएगा ही नहीं, बाकी आई और जे के सोचने होंगे, ये 14 है। अच्छा, ये बी का हमारा देखें, ये आई 14 है और जे के 8 है, तो यह जगह 14,8,0 बी। और ये हमारा सी जो है, सी में देखें आई भी नहीं है और के भी नहीं है, सब जे है, और जे कितना होगा, 8 है, यानी 0 8 और 0। ये ओ ए बी सी के क्वाड्रेट्स आ गए, ओ ए बी सी के क्वाड्रेट्स आ गए। बाकी रहा सवाल डी और ई का, तो डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। देखें ये इससे फ्लोर है, ये फ्लोर है, अगर ये फ्लोर देखें, टोटल फ्लोर ये 14 मीटर्स होगा, और अगर ये 6 मीटर है ये, तो ये सिमेट्री होगी, इधर से 6 मीटर का मकसद है कि इस फ्लोर से, या इधर से सिक्स, ये टोटल 14 मीटर, 8 मीटर, तो 4 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है, ये 4 मीटर ये है। तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट सेट करूँ, तो डी के कोऑर्डिनेट्स इधर देखें, यानी ये मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स जो है इधर आना पड़ेगा, ये कितने होंगे, ये 4, और ये हाफ होगा, ये 8 मीटर हाफ होगा, 4 4 ऊपर कितना है, 5, तो डी के कोऑर्डिनेट्स में सेट करूँगा 4 4 5। ये देखें डी के कोऑर्डिनेट्स में 4 4 5 कैसे सेट किए, देखें एक दफा फिर समझाता हूँ। देखें ये आप 3 डायमेंशनल में सोचें, देखें 3 डायमेंशनल में सोचेंगे, ये छत है और ये इसका फर्श है नीचे वाला, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर, 3 डायमेंशन में इधर ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये लेंथ देखें ये कितना है, अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये टोटल इधर से इधर तक 14 थी, तो ये होगा 4, ये भी 4, तो एक्स का ये 4 है, और ये तो बीच में है बिल्कुल, ये एच के बीच में ही छत में जो होगी, तो ये जो है यानी ये 4, ये भी 4, और बाकी ऊपर 5 है, तो 4,4,5। अच्छा, अब इसका सेट हो गया, अब बाकी रहा इसका ई का, ई का देखें क्या होगा, ई का कोऑर्डिनेट इधर तक ये 4 ये और 6 है, तो देखें इधर तक ये आई से 10 होगा, यानी 10, और जे में आधा 8 का आधा ये होगा 4, और ऊपर है 5, तो देखें ये देखें ये इसका ऊपर, अब 3 डायमेंशन में सोचें, पहले मैं इधर तक गया, ये होगा ये 4 और 6, यानी देखिए ना, इधर तक भी लेके आए अगर, तो ये 6 है, तो ये 4 है, तो आपका ये हो जाएगा 10,
10 और इधर तक ये दरमियान में है, बिल्कुल 8 का टोटल का बिल्कुल सा, तो 10 और 8 और ऊपर हाइट में है 5, तो 8 का हाफ होगा 4, सॉरी, तो ये 10 4 5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब मेरा कोई काम नहीं रहेगा, अब मैं सोचूंगा तक नहीं, अब मेरा हर मसला आसान हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम किया, क्वेश्चन हल होगा वेक्टर्स का, इस तरह का बात ही खत्म। अब देखें, मैं इसको देखूंगा अभी नहीं, वो देखें किस तरह सेट होता है अभी। अच्छा, अब देखें, ये कह रहा है एक्सप्रेस दी वेक्टर्स ओ डी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ओ डी का मकसद है, ओ डी इसका ओ और डी, ओ डी है तो जारी बात है कि डी वाला ही दे दें आप ओ डी, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 4 5, या आप ये लिख दें 4i + 4j + 5k। और ये इसने क्या पूछा है दूसरा, कि ओ डी का क्या वैल्यू करें एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू करें। तो ओ डी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 + 16 + 25, 32 + 25, ये आ जाएगा हमारा 57 अंडर रूट। तो इसका ये 57 अंडर रूट आ गया। अगर आप पॉइंट्स में मालूम करना चाहें तो पॉइंट्स में ले सकते हैं, 57 अंडर रूट तकरीबन आता है 7.55 सेंटीमीटर्स के आंसर ओ डी। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये कहता है एक्सप्रेस वेक्टर्स ओ डी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, हो गया 4 मार्क्स। फिर कहता है यूज अ स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल डी ओ बी, डायग्राम में देखूंगा नहीं, अब डी ओ बी में अपने तो इधर सेट करूंगा डी ओ बी, तो डी ओ बी कैसे होगा, देखें ओ इधर है, डी इधर होगा, डी ओ बी डी ओ बी, तो एक मुझे चाहिए ओ डी, एक चाहिए ओ बी, तो ओ डी जो है, ओ डी तो मैं देख भी चुका हूँ, ओ डी ये आ चुका है हमारा, ओ डी आया 4 4 5, ओ डी है 4 4 5, और ओ डी का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है 57 अंडर रूट। और दूसरा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और ये सारी चीज़ें, ओ बी, ओ बी देखें, ओ बी आपका ये बी का कोऑर्डिनेट 480 480, तो ओ बी इसके साथ माइनस कर दें, ये 480 आ जाएगा ओ डी, और ओ बी, ओ बी है 480, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड आगे काम आएगा एंगल मालूम करने के लिए, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है 4 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आ जाएगा 16 + 64 + 0 अंडर रूट, तो ये आता है 80 अंडर रूट में, तो ये 80 अंडर रूट, यानी ओ बी का मैग्नीट्यूड जो है वो 80 अंडर रूट है। तो अभी आप देखें कि यानी एक मिनट, ओ बी का जो है इसने ओ बी का पूछा है हमें, तो ओ बी हमारा आया है 1480 है, सॉरी ओ बी 1480 है, ये 4480 नहीं है, 1480 है ओ बी है, सॉरी आई एम सो सॉरी, तो ये 1480 है ओ बी, तो ये 14 का स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, आई एम सॉरी, 14 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 196 और प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 + 0 196, और प्लस 64 करेंगे तो ये हमारा आता है तकरीबन 210 आ जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि 6 4 इसमें करें 200 जगह 260 आएगा, 10 क्यों आएगा 260, सॉरी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक आज हो रही है, 260 अंडर रूट। अच्छा, अब ये 260 अंडर रूट आ गया, सॉरी मैंने 14 को 4 समझ गया था, 260 अंडर रूट आएगा। अच्छा, बाकी आप ओ डी और डॉट ओ बी मालूम कर लेते हैं, ओ डी डॉट ओ बी, अच्छा ये ओ बी 14 ही है, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, तो आप देखें 4 × 14 और प्लस 4 × 8 और प्लस 5 × 0 करें, तो ये आता है 4 4 14 = 56 और प्लस 32 + 0, तो 56 + 32 आता है 88। अभी आप एंगल हम मालूम कर सकते हैं आराम से, देखिए मैंने कहीं डायग्राम में नहीं देखा सर इधर कैलकुलेशन में, और देर इसी हो गई कि कैलकुलेशन ये मैं 14 की जगह 4 ले लिया था,
गलती से, सारी बातें वो भी इतना बड़ा था, फिर मैंने सोचा। तो ये है कि काश, जो इसने पूछा है, काश ओ, काश डी ओ बी बराबर होगा ओ डी डॉट ओ बी अपॉन ओ डी का मैग्नीट्यूड इंट ओ बी का मैग्नीट्यूड। तो ओ डी डॉट ओ बी जो आता है वो आता है 88 अपॉन ओ बी है 57 अंडर रूट, और 260 अंडर, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 260 इंटू 57 अंडर रूट। तो ये डी ओ बी आ जाएगा कॉस इनवर्स 88 अपॉन 260, 57 मल्टीप्लाई करें तो कहते हैं 14820, 14820। इसका कॉस प्लस मालूम कर लें तो ये आता है 43.7 डिग्री। आपने देखा, मैंने डायग्राम को देखा भी नहीं कि ओ डी और ओ बी वो कैसे एंगल बन रही है, और मैंने सब उसके कोऑर्डिनेट्स किए और फिर वो चीज़ें मैंने कर ली।